सम्माननीय प्रधानमंत्री ओली जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री रविंद्र प्रसाद अधिकारी जी, पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर प्रदीप ढकल जी, यहाँ उपस्थित अन्य सम्माननीय अतिथिगण, दूर दूर से यहाँ पधारे भोले बाबा के भक्तगण और नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ की काशी की धरती का एक बेटा आज पशुपतिनाथ के प्रांगण में जुटे आप सबको आदरपूर्वक नमन करता है। आदरणीय ओली जी ने जो कहा कि नेपाली भाषा और हम गुजरात वालों को समझना बड़ा सरल होता है, भारत और नेपाल की मैत्री जब अटल जी का स्वर्गवास हुआ तो हम जानते हैं कि इस दुख की घड़ी में जब कोई अपना स्वजन आप तक पहुंचता है तो आपको एक मन को बहुत राहत मिलती है। अटल जी के स्वर्गवास के कुछ ही पल में ओली जी ने मुझे फोन करके इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। ये औपचारिकता नहीं थी, एक अपनेपन का स्वाभाविक प्रकटीकरण था। और अटल जी के प्रति जिस आदर और भाव के साथ विदेश मंत्री स्वयं उनके अंत्येष्टि में आए और आज अटल जी की कविताओं का नेपाली भाषा में अनुवाद करने का नेपाल का निर्णय है, मैं समझता हूं किसी भी महापुरुष की स्मृति, उसके संदेश को हम कैसे संभालते हैं, उसने जो ज्ञान परोसा है उस ज्ञान को हम आगे की पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसको हम जीवन में कितना उतार पाते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और नेपाल ने अटल जी का ये जो चिंतन था, उनका जो ज्ञान संपुट था जिसको उन्होंने कविता में ढाला था, तत्कालीन परिस्थितियों को देखने का एक नजरिया प्रस्तुत किया था, उन कविताओं को नेपाल की आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का जो संकल्प किया है, इस उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आदरणीय ओली जी का, नेपाल की सरकार का, नेपाल के नागरिकों का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सांस्कृतिक संबंध है, सदियों पुराने संबंध है, लेकिन ये निश्चित है कि दुनिया के किसी भी देश के साथ संबंध तब तक मजबूत नहीं होते हैं तब तक वो दीर्घकालीन नहीं होते हैं जब तक पीपल टू पीपल ताकत नहीं बढ़ती है। सिर्फ काठमांडू और नई दिल्ली मिल जाए, सिर्फ काठमांडू की सरकार और नई दिल्ली की सरकार मिल जाए, इतने से बात बनती नहीं है। जब तक हर नेपाली, हर हिंदुस्तानी एक दूसरे से मिलजुलता नहीं है, ताकत बनती है। और आज पीपल टू पीपल शक्ति को बढ़ावा देने का एक उत्तम काम नेपाल भारत मैत्री का प्रतीक इस धर्मशाला का यहां लोकार्पण हो रहा है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मैं काठमांडू आता हूं तो यहां के लोगों का स्नेह और अपनापन मैं बहुत हृदय से फील करता हूं। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के प्रति भी यही आत्मीयता नेपाल में नजर आती है। लगभग 4 वर्ष पहले मुझे सावन मास के अंतिम सोमवार को यहां पशुपतिनाथ जी के चरणों में आकर के पूजा का अवसर मिला था। कुछ महीने पहले जब मैं यहां आया था तो मुझे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम तीनों बड़े तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है, फिर आज उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सिर्फ मेरी भावना ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के करोड़ों आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने वाले, धार्मिक परंपराओं को स्वीकार करने वाले, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले शिव भक्तों की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन करें। भारत और नेपाल के बीच शिव भक्ति और शिव भक्तों का यह संबंध इतना मजबूत है कि न तो समय का इस पर असर हुआ और न ही दूरी का अवसर हुआ और न ही कठिन रास्तों का भी असर हुआ। काठमांडू और कन्याकुमारी के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है लेकिन करीब 1500 वर्ष पहले से ही तमिलनाडु में पशुपतिनाथ की गाथाएं गूंज रही है। शैव कुरुवर की थेवरम में भगवान पशुपतिनाथ का अहम स्थान है, उत्तम स्थान है और बाबा पशुपतिनाथ ने सुदूर दक्षिण भारत के अपने अनन्य भक्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल से गणेश और कार्तिक की तरह अपने आप इस मंदिर के गर्भगृह में स्थान दिया है। और इसलिए आज मेरे परम मित्र प्रधानमंत्री ओली जी के साथ मिलकर नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला को विश्व भर के यात्रियों के लिए, टूरिस्टों के लिए, शिव भक्तों के लिए समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। दुनिया भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 करोड़ भारतवासियों की तरफ से पशुपतिनाथ जी के चरणों में यह एक छोटी सी भेंट देने का सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम नेपाल की विविधता को एकता में पिरोते हैं, साथ ही वे भारत के साथ रिश्तों की डोर को भी हर पल नई मजबूती देते हैं। काशी और काठमांडू को बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ जोड़ते हैं और मैं सोमनाथ की धरती से निकला हूं। सोमनाथ से विश्वनाथ, विश्वनाथ से पशुपतिनाथ, इसी प्रकार माता सीता और प्रभु श्री राम का रिश्ता जनकपुर को अयोध्या से, तो भगवान जगन्नाथ और मुक्तिनाथ मुस्तांग को पुरी से जोड़ते हैं। सुंदर बागमती घाटी के बीच में विराजे भगवान पशुपतिनाथ एक तरफ धौलागिरी और अन्नपूर्णा तो दूसरी तरफ सागर माथा और कंचनजंगा। ये दुनिया भर के शिव भक्तों और पर्यटकों को एक सुंदर और अद्भुत अनुभव देता है।
काठमांडू की यह पवित्र धरती हिंदू और बौद्ध आस्था की एक प्रकार से संगम स्थली है। ये दोनों मत किस प्रकार एक दूसरे के प्रति समावेशी हैं, इनके मानने वालों के बीच किस प्रकार का मेल मिलाप है। काठमांडू की गलियों और पगडंडियों से गुजरते हुए अनुभव हर कोई यात्री कर सकता है, हर किसी को अनुभव होता है। भगवान पशुपतिनाथ का ये धाम भी बौद्ध आस्था के अनेक केंद्रों से घिरा हुआ है। बुद्ध भिक्षुओं के कण से गूंजता, और अभी प्रदीप जी बता रहे थे ओम बणी पद्मे अहम्, और शिव भक्तों के मुख से ओम नमः शिवाय का जाप कब एकाकार हो जाते हैं पता तक नहीं चलता है। ये परंपरा भी नेपाल और भारत के बीच रिश्तों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नेपाल के लुम्बिनी ने दुनिया को गौतम दिए तो भारत के बौद्ध गया ने बुद्ध दिए। गौतम बुद्ध का दिखाया रास्ता आज अतिवाद और आतंकवाद जैसी दुनिया की अनेक समस्याओं को हल करने का प्रेरणा स्रोत है। साथियों, भारत और नेपाल के बीच आस्था, अस्मिता और अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी, ये हमारी अटूट शक्ति है, अनमोल खजाना है, अनमोल विरासत है। हजारों वर्षों का हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारी निष्ठा, वो मूल्य हैं जो हम दोनों देशों को दुनिया की अनेक सभ्यताओं से अलग करते हैं। अभी ओली जी बता रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हर किसी के कल्याण की कामना, सिर्फ अपनों की नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये दोनों देशों की मूल धारणा है। और इसी समृद्धि से निकला आत्मविश्वास ही विश्व में हमारा स्थान सुनिश्चित करेगा। दोनों देशों का भविष्य इसी भावना से तय होगा। आज जो भी हम हासिल कर पा रहे हैं वो तभी सार्थक होगा जब सबका विकास होगा, विशेष तौर पर उसका जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है। आज भारत आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलते हुए विकास के आसमान पर इस एक ध्रुव तारे की तरह आज चमक रहा है। सबका साथ सबका विकास के जिस मंत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे नेपाली भाइयों और बहनों का भी उतना ही स्थान है। सबका स्थान सबका विकास की बात जब करते हैं तो ये सबके लिए है। पड़ोसियों के काम आना और सुख समृद्धि के लिए साथ चलना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। उसी के अनुरूप बाबा पशुनाथ से आशीर्वाद, दोनों देशों का यही रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, हर हिंदुस्तानी को ये देखकर प्रसन्नता होती है कि नेपाल में आज राजनीतिक स्थिरता है। इसी का परिणाम है कि प्रगति पथ पर नेपाल ने अपनी गति तेज की है। मैं यहां मौजूद नेपाल के प्रधानमंत्री जी को, नेपाल के जन जन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी के जीवन को मंगल बनाने के लिए एक विश्वास पात्र मित्र के रूप में भारत की सद्भावना और सहयोग हमेशा 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 आपके साथ है। बाबा पशुपतिनाथ का आशीष सदा इस पवित्र भूमि पर बना रहे, और नेपाल भारत मैत्री पर उनकी कृपा दृष्टि रहे, यही मेरी प्रार्थना है।
आस्था, सभ्यता और संस्कृति की ये निर्बाध गति भारत और नेपाल के करोड़ों जनों के जीवन को समृद्ध करती रही है। इसी कामना के साथ भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला, और मैं मानता हूं कि ये कोई इमारत नहीं है, सिर्फ वहां कोई एक मुसाफिर आएगा, कोई यात्री आएगा, वो वहां रुकेगा तो वो सिर्फ ठहरने की जगह मात्र नहीं है, हर पल भारत नेपाल मैत्री के भाव उसके मन मंदिर में गूंजते रहेंगे और अपने घर लौटेगा तब भी भारत नेपाल मैत्री का भाव वो चिरंजीव अपने मन में लेकर के चला जाएगा। ये अपने आप में प्रतीक होते हैं, व्यवस्थाएं भले हो लेकिन वो एक जीवन शक्ति देते हैं और ये धर्मशाला उस प्रतीक है जो हमें एक शक्ति देता है। ये व्यवस्था सिर्फ राहदारी के लिए, यात्री के लिए, टूरिस्ट के लिए रात भर बिताने की जगह है इतना नहीं है, ये नेपाल के टूरिज्म को बल देता है। ये व्यवस्थाएं नेपाल में आने वाले टूरिस्टों के लिए एक अतिरिक्त जगह का अवसर देता है। सामान्य आय वाला व्यक्ति भी ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है, तब ये इमारत सिर्फ इमारत नहीं रहती है, सोने बैठने की सिर्फ जगह नहीं बन जाती है, लेकिन यह एक इकाई नेपाल की टूरिज्म से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधि को एक नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है, नई शक्ति देती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिकतम लोगों को रोजगार देने की संभावना है, और जब ऐसी व्यवस्था है सामान्य जन के लिए उपलब्ध होती है तो टूरिस्टों को आने का भी मन करता है, उनको भी यहाँ रुकने का मन करता है, और जब टूरिस्ट रुकता है तो जरूर कुछ न कुछ देकर के जाता है। मुझे विश्वास है कि ये नेपाल भारत मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला ये सिर्फ इमारत के रूप में नहीं, एक राहदारी के रुकने की जगह के रूप में नहीं, लेकिन एक मैत्री का स्तंभ, एक मैत्री एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को गति देने वाली ऊर्जा का केंद्र बनेगा। इसी एक पूरे भरोसे के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिम्स्टेक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट था और वो भी बहुत ही उत्तम तरीके से आज काठमांडू की धरती से दुनिया को संदेश गया है। विश्व की 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली बिम्स्टेक की समिट नेपाल की धरती पर हो, पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में हो, तो यहां से किए गए संकल्प सिद्ध हुए बिना रहते नहीं है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि ओली जी के नेतृत्व में काठमांडू की धरती से, हिमालय की गोद से निकले हुए संकल्प इस पूरे भूभाग को और उस पूरे क्षेत्र को सुख और शांति की दिशा में गति देने के लिए एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, और इस महत्वपूर्ण काम को आदरणीय कोली जी ने निभाया है, इसके लिए भी वे साधुवाद के पात्र है, अभिनंदन के अधिकारी है, और इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर एक बार इस समारोह के लिए आपने समय निकाला और हमें साथ साथ मिलकर के आज एक नजराना देने का सौभाग्य मिला। हिंदुस्तान में भी इस व्यवस्था से लोग खुश होंगे, नेपाल के लोग भी इस व्यवस्था से खुश होंगे, और इस व्यवस्था से एक नई आर्थिक गति देने का अवसर भी पैदा होगा। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में अपना सर झुका करके प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।